Hello dear students, welcome back after a long time. अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज़, SST की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ की. उसके बाद ये ख़त्म होगी, फिर क्लास टेंथ की साइंस की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम इंग्लिश की सीरीज़ भी वापस आएंगे, हम उसे भी कंप्लीट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज से अपना फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में नेशनलिज्म का जो राइज है वो किस तरह से हुआ, इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को हम वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और नोट्स की फॉर्म में मैंने आपको प्रॉपर चार पांच सोर्सेज से कंसल्ट करके मैंने आपके लिए जो है इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रिपेयर किए हैं. राइट अ शॉर्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्यूसेप मेज़िनी. ग्यूसेप मेज़िनी जो था वो, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है हमें. वो कौन था? ही वॉज फ्रॉम इटली और वो क्या था? इटालियन रेवोल्यूशनरी था. अब चैप्टर का नाम ही राइज ऑफ नेशनलिज्म है, तो यानी कि अब हम जिस इसमें जिनके भी बारे में बात करेंगे वो क्या होंगे? रेवोल्यूशनरीज. रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, जो कोई एक नई चेंज, बड़ी चेंज लेकर आएंगे अपनी सोसाइटी में. उसने क्या किया? ही फाउंडेड सोसाइटीज़. उसने कौन कौन सी सोसाइटीज़ बनाई? एक उसने बनाई यंग इटली सोसाइटी और एक उसने बनाई यंग यूरोप की सोसाइटी. ही वॉज सेंट टू एग्जाइल फॉर रेवोल्यूशन अटेम्प्टेड बाय हिम इन लिगूरिया. लिगूरिया एक जगह में उसने एक रेवोल्यूशन को अटेम्प्ट किया, एक क्रांति को लाने की कोशिश की, उसके लिए उसे जेल में भी डाला गया. नेक्स्ट है काउंट कैमिलो डी कैवर. काउंट कैमिलो डी कैवर के बारे में लिखेंगे. कैवर वॉज अ डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन. पॉलिटिशियन हमेशा डिप्लोमेटिक ही होते हैं. वो क्या थे? एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन. डिप्लोमेटिक मतलब जो हर कंडीशन में अपना फ़ायदा करवाना जानता हो. ही यूज इंटरनेशनल पावर टू अचीव हिज डोमेस्टिक गोल्स. उसने इंटरनेशनल, उसने बाकी देशों की जो पावर्स थी उनको उसने यूज़ किया अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए अपने अपने डोमेस्टिक गोल्स, मतलब अपने खुद के देश के गोल्स या उनके फ़ायदे के लिए उसने बाहर की ताकतों को इस्तेमाल किया. ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन यूनिफाइंग इटली. और इटली के छोटे छोटे राज्यों को एक बड़ा राज्य बनाने में, यूनिफाइंग मतलब एक करना, छोटे छोटों टुकड़ों को जोड़ के एक करना, उसने वो काम किया, इटली को यूनिफाई किया. ही वॉज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट. ना तो वो कोई क्रांतिकारी था और ना ही वो कोई डेमोक्रेट था. नेक्स्ट इज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ग्रीस जो था, ग्रीस वॉज पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस 15th century. 15वीं शताब्दी से ही ग्रीस जो था वो ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था. स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक स्टार्टेड इन 1821 में ग्रीक्स ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई थी वो स्टार्ट कर दी थी. पोइट्स और आर्टिस्ट चेंज पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट ओटोमन एम्पायर. पोइट्स ने अपनी कविताओं के द्वारा और आर्टिस्ट ने अपनी कृतियों के द्वारा, जैसे पेंटिंग्स के द्वारा या मूर्तियों के द्वारा, उन्होंने पोर्ट्रेट्स के द्वारा उन्होंने जो आम पब्लिक थी उसका ओपिनियन चेंज करने की कोशिश की. जैसे अभी के ज़माने में व्हाट्सएप है, टीवी है, उस टाइम पे ये सब नहीं था. तो उस टाइम पे किन्होंने पब्लिक ओपिनियन चेंज करने की कोशिश की? पोइट्स और आर्टिस्ट ने. वेस्ट यूरोपियंस आल्सो सपोर्टेड ग्रीक्स. जो वेस्ट के जो यूरोपियंस थे ना, उन्होंने भी ग्रीक्स को फुल सपोर्ट किया. फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंट
निपोल ऑफ 1832, फिर ये ट्रीटी को याद रखना है जो ट्रीटी हुई कॉन्स्टेंटिनोपोल की 1832 में, इस इसमें जो है ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट इज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी वो कहाँ पे कन्वे की गई, वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी, वो हेल्ड हुई थी फ्रैंकफर्ट सिटी में, एट सेंट पॉल चर्च नामक जगह में, जो कहाँ पे थी फ्रैंकफर्ट सिटी में, और किस दिन हुई थी, वो हुई थी 18 मई को। इट वॉज फॉर्म बाय द मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, और इसमें किन किन ने हिस्सेदारी ली थी, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ने, बिजनेसमैन ने और आर्टिसंस ने। आर्टिसंस मतलब जिनके पास कोई आर्ट होता है, लाइक पेंटर हो सकते हैं, कोई पोर्ट्रेट्स बनाने वाले हो सकते हैं, जिनके पास कोई आर्ट होता है, कला होती है। इट फेस्ड ऑपोजिशन फ्रॉम द मिलिट्री एंड अरिस्टोक्रेसी। ऑब्वियसली कौन नहीं चाहता था कि डेमोक्रेसी आए, वो जो अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री ये नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसी आए, और इनसे इनको ओपोजिशन फेस करनी पड़ी। एंड इट वॉज डिसबैंडेड ऑन 31 मई 1849, और कुछ ही दिनों में 31 मई 1849 में इसे डिसबैंडेड भी कर दिया गया, इसे खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स में वुमेन का क्या रोल था? वुमेन ने भी इस्टेब्लिश की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिकल रैलीज में, वो पार्टिसिपेट करती थी, प्रोटेस्ट में वो पार्टिसिपेट करती थी, उन्होंने अपने पब्लिकेशन स्टार्ट किए, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स वगैरह देना स्टार्ट किए, उन्होंने भी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को ज्वाइन किया, लेकिन कैसे, एज ऑब्जर्वर्स, यानी वो कुछ उसमें अपना ओपिनियन नहीं रख सकती थी लेकिन वो ऑब्जर्व कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच पीपल के अंदर एक सेंस आए कि हम एक हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी आए, इसके लिए फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने क्या क्या स्टेप्स लिए? सबसे पहले द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री और ला सिटोइन को उन्होंने फैलाना शुरू किया। ला पैट्री का मतलब द फादरलैंड, और ले सिटोइन का मतलब द सिटीज़न, हम अपनी फादरलैंड के सिटीज़न हैं। एम्फसाइज मतलब जोर देना। इन दो आइडियाज़ पे उन्होंने जोर दिया। एम्फसाइज द आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम एक ही कम्युनिटी हैं, यूनाइटेड कम्युनिटी, जो हम इंजॉय करेंगे इक्वल राइट्स, समान अधिकार अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के अंदर हम सब समान हैं और हम सब समान राइट्स के हकदार हैं। जो पहले का जो फॉर्मर मतलब पहले का पुराना जो रॉयल फ्लैग था, जो राजा का फ्लैग था, उसे रिप्लेस किया गया विद द न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग, एक नए फ्रांस के तीन रंगी फ्लैग के साथ उसे रिप्लेस किया गया। न्यू ओथ्स वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन, नई ओथ्स प्रतिज्ञाएं ली गई, कस्में खाई गई नेशन के नाम की। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब जैसे हमारे देश में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, सेंटर से कुछ रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, और वो सभी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होते हैं, स्कीम्स आती हैं सेंटर से और फिर वो सभी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंटर की उन्होंने इस्टेब्लिश की। यूनिफॉर्म लॉज, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे लॉज लाए गए सभी सिटीजन्स के लिए, सभी नागरिकों के लिए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड, एक समान जो मेजर्स और वेट्स जो हैं उनको अडॉप्ट किया गया। इस तरह से नहीं था कि मान लीजिए कि J&K में एक दर्जन केले मतलब 12, और केरला में एक दर्जन केले मतलब 6, ऐसा नहीं।
एक समान, वन डजन मतलब 12 ही चीज़ें उसमें होंगी। इस तरह के एक जैसे सिस्टम और वेट मेजर्स उन्होंने अडॉप्ट किए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर अबॉलिश, अपने ही देश के अंदर कस्टम ड्यूटीज़ को उन्होंने अबॉलिश किया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह अपने ही देश में सामान ले जाने पर कोई भी कस्टम ड्यूटी टैक्स नहीं लगाया गया, उसे अबॉलिश किया गया, खारिज किया गया। फ्रेंच बिकेम द कॉमन नेशनल लैंग्वेज, और जो फ्रेंच थी उसको उन्होंने एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया, जिस तरह से हमारे देश में ये दर्जा हिंदी लैंग्वेज को प्राप्त है।